अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे। अल्लाह पाक आप सबकी जायज़ दिली ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह पाक आप सबको शैतान के शर, मुर्जी अमराज और नज़र बद से बचा के रखे, आमीन। आज है जुम्मतुल मुबारक का दिन, टाइम तकरीबन हो रहे हैं 9:45। पेंट ख़त्म होने के बाद फ़र्श वगैरह धोए थे और फिर और काम भी काफ़ी था 2 दिन। तो आज जो है रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है, ये देखें अभी भी बादल हैं। सुबह भी थोड़ी थोड़ी हुई है लेकिन अभी नहीं हो रही। बारिश हुई थी तो पानी ये सारा अंदर खड़ा है, तेज़ हवा और बारिश। इस फर्श को अभी दोबारा धोना पड़ेगा। वैसे तो पोछा लगाती लेकिन अभी पानी खड़ा है तो इसे धोती हूँ। इसके अलावा अंदर इस कमरे की तो मैंने सफाई की थी कल तफसीली, और आज इस कमरे की करूँगी। और फिर जुमे का दिन है, नाना भी है, और फिर उसके बाद सूरह काफ़ की तलावत करनी है। आप भी लाजमी किया करें जुमा के दिन सूरह काफ़ की तलावत, और इसके अलावा चलते फिरते दुरूद पाक भी पढ़ा करें लाजमी। और इसलिए अभी जल्दी से यहाँ की सफाई करती हूँ। उधर की सफाई मैंने कर ली है, फर्श धोया है उधर से, ये बरामदा भी पेंट हो गया था और फिर इसको भी धोया था, अभी दोबारा से धोया है। अभी ये साइड तो साफ़ हो गई है, ये देखें, और अभी उधर से सफाई करनी है। और उस्मान आया हुआ है, उस्मान क्या कर रहे हैं, हैं नाश्ता किया है मानी ने। स्टूल है, ये अंदर लेके जाती हूँ, जस्टिंग वगैरह करनी है। तो फिर पंखे अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने सारे साफ़ कर दिए थे क्योंकि इन पे भी डस्ट आ जाती है। ये वाला वाइट पंखा था तो इस पे डस्ट नज़र आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो फिर मैंने पंखे कल सारे साफ़ किए। मैंने कहा सुबह जुमे का दिन होगा तो फिर ज़्यादा सफाई नहीं हो सकती क्योंकि नाना है, फिर कपड़े भी प्रेस करने हैं और बच्चे भी आके नहाएंगे तो फिर इतना टाइम नहीं होता, इसलिए जल्दी जल्दी काम ख़त्म करती हूँ और फिर नहा के इबादत करती हूँ इंशाल्लाह। क्या है, हैं क्या देखते हो, हैं क्या देखते हैं मानी, हैं खुद को देखते हैं। अच्छा चलें जी, अभी जल्दी से सफाई शुरू करते हैं, टाइम गुजरने का पता नहीं चलता सुबह सुबह। तो बच्चे की हैं, उसके बाद सफाई शुरू की है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गई है और ये कमरे की करती हूँ, फिर फर्श धोती हूँ, इंशाल्लाह फिर काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टूल अंदर लेके जाती हूँ। अभी अलमारियों के ऊपर से डस्टिंग करती हूँ और फिर कपड़ों की मदद से इन फ्रेम को साफ़ करती हूँ। बाकी तो इस झाड़ू की मदद से ही सारे ये इधर से कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह होती है तो इस झाड़ू की मदद से उतारूंगी और फिर इनको कपड़े की मदद से साफ करूंगी दीवारें। और फिर इस शेल्फ की भी सफाई करनी है, इधर कुरान पाक पड़े हुए हैं, इनको अभी मैंने स्टोर रख दिया है, कपड़े की मदद से इसको साफ करती हूँ। सारी डस्टिंग मैंने कर ली है, को अभी झाड़ती हूँ और फिर जैसे झाड़ू लगाती हूँ। वैसे तो मैट्रेस वगैरह बाहर निकालने थे लेकिन आज चूँकि धूप नहीं है इसलिए इनको किसी और दिन निकालूंगी। स्टूल बाहर लेके जाती हूँ और फिर बाकी सफाई करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कमरे की सफाई कंप्लीट हो गई है और अभी मैं धोने लगी हूँ फर्श। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुसल फरमाते तो आप सलम पहले अपने दोनों हाथ धोते फिर इसी तरह वुजू करते जैसा नमाज के लिए आप सलम वुजू किया करते थे, फिर पानी में अपनी उंगलियां दाखिल फरमाते और इनसे बालों की जड़ों का हलाल करते, फिर अपने हाथों से 3 चुल्लू सर पर डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. टाइम तकरीबन हो रहे हैं 4:24। मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है, मैक्रोनियाँ बॉयल हो रही हैं, चिकन फ्राई हो रहा है। चिकन फ्राई होगा तो इसमें सब्जियाँ डालूंगी मैं, सब्जियाँ भी मैंने काट ली हैं और अनमता बना रही है फ्रूट चाट।
नमता का रोज़ा नहीं है। नमता कितने रोज़े रखे हैं? छः। मैं नमता का कल रोज़ा था, आज नहीं है। और असफ़त का भी आज रोज़ा नहीं है। नमता को खांसी भी हो रही है। नमता कुछ ज़्यादा याद बड़ा नहीं काट रही है? बड़ा काटा है आज, है ना। अनमता को कुछ दिल नहीं कर रहा काटने का है? अच्छा, नमता ठीक नहीं है। परौनियाँ भी तैयार है, अभी इन्हें चटनी में डाल रही हूँ। ओहो, सही बात है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैक्रोनी तैयार हैं। अभी पकौड़ों का मसाला तैयार करते हैं। देखिए, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, काले काले बादल हैं और गरज रही है। और अभी टाइम तो रहता है इफ्तार में, लेकिन ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ, अंधेरा ही अंधेरा है और बादल भी गरज रही हैं। बारिश शुरू होने वाली है और चीज़ें तकरीबन तैयार हैं। ये इफ्तारी पर से आई है, कड़ी बनी हुई है पकौड़ों वाली और साथ मैक्रोनीस, इधर भी मैक्रोनीस हैं और जिसके ऊपर चाट। और अनमता ने आज इसको रैप किया है जी। ये लब्बे शीरी हैं, ये नीचे से नानो की शीरी हैं। मामू ने बनाई है। अनमता खजूरें भी निकालो, दादू फिर दुआ कर रही हैं ना। पकौड़े बन रहे हैं, अभी बहुत टाइम है। लाइट अभी चली गई है और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अभी पकौड़े बन रही हैं। अम्मा, हम कपड़े लेने कब जाएंगे? कपड़े पहनूंगी गीत पे। अच्छा, पहनूंगी ना, कपड़े भी लेने हैं, चूड़ियाँ भी लेनी हैं, मेहंदी भी लेनी है, पैसे डालने के लिए बैग भी लेने हैं। बैग किस लिए? ज्यादा पैसे होंगे? हाँ, पैसे दे बैग लेते हैं ना। अच्छा, दे बैग होते हैं के साथ। अच्छा जी, हमने तो कभी नहीं लिए थे, हम तो बचपन में नहीं लेते थे। कपड़े भी एक ईद पे बनाते थे, वो दूसरी ईद पे भी पहनते थे। तो अभी तो आप लोग दो दो तीन तीन जोड़े लेते हो। हम भी तो बच्चे थे। नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। बहुत तेज आ रहे हैं, लगेंगे आके। अल्लाह पाक हम सबको नेक काम करने और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।